हेलो वेलकम फ्रेंड, आइए हम बात करते हैं आज एक छोटे से सवाल के बारे में जो मुझसे पूछा गया है एक व्यूअर के द्वारा। तो सवाल इनका क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, इन्होंने पूछा है कि अगर हमें पैसा रिसीव होता है, देखिए इनका नाम भी मैं बता देता हूँ, इनका नाम है मनीष सिंह, इनका नाम है, और मनीष से 50,000 रुपए प्राप्त किए सर, इसका क्या लेजर अंडर ग्रुप बनेगा, ये इनका पहला सवाल है। मनीष से 50,000 रुपए प्राप्त किए, तो प्राप्त करने की एंट्री की एंट्री का मतलब होता है, प्राप्त करना का मतलब होता है कि रिसीव करना। तो आप सीधा सीधा चले जाइए F6 प्रेस करके रिसीप्ट वाउचर में। अब ये देखिए, यहाँ पर कुछ सिनेरियो इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे कैसे एंट्री पास करनी है। देखिए, सिंगल एंट्री मोड में लू, आप चाहे तो इसको डबल एंट्री मोड में लेकर के भी एंट्री कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे है वैसे ही पहले बता देता हूँ, मनीष से 50,000 रुपए प्राप्त किए, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है अकाउंट, क्या प्राप्त कर रहे हैं, तो 50,000 रुपए। तो यहाँ पर कैश लाइए, ठीक है, ये कैश हो गया, कितना रुपया प्राप्त कर रहा है और किससे प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ एक लेजर बनेगा, मनीष से प्राप्त हो रहा है ना, तो मनीष जो है, मनीष कर दिया हमने यहाँ, और यहाँ पर मनीष एक पार्टी है, ठीक है। मनीष क्या है, एक पार्टी है, जो कौन सी पार्टी है, डेटर पार्टी है। तो यहाँ पर ये डेटर पार्टी का लेजर लगा देंगे, ठीक है, और जैसे ही लेजर लगाएंगे तो यहाँ इसे सर्टरी डेटर के ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया सर्टरी डेटर, और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए इसको इस तरीके से एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना रुपया प्राप्त किया, तो 50,000 रुपया प्राप्त किया, तो ये यहाँ पर 50,000 डाल दिया हमने, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर आएगा ऑन अकाउंट, देख सकते हैं ये ऑन अकाउंट आ रहा है। अब इसमें केवल मनीष से पैसे प्राप्त हो रहे हैं, 50,000 रुपया प्राप्त हो रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है कि ये किस लिए प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में आप ऑन अकाउंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कर्सर भी ऑन अकाउंट पे चला आता है हमारा, बस ऑन अकाउंट रखकर के एंटर प्रेस कीजिए, और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए इसे आप एक्सेप्ट करा लीजिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसी तरीके से एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब बता देता हूँ कि अगर आपको डबल एंट्री मोड सिस्टम यूज करना है तो उसमें कैसे करेंगे। तो यहाँ से चेंज मोड पे जाएंगे और इसको डबल एंट्री मोड में लेके आ जाएंगे, ये डबल एंट्री मोड हो गया, लेकिन अभी 2x आ रहा है, तो यहाँ से F12 बटन प्रेस करके और इसको जो है 2x को हटा दीजिए, डेबिट क्रेडिट कर दीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए। जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे तो बस इस तरीके का सिनेरियो आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब क्रेडिट किसको करना है, डेबिट किसको करना है, यहाँ पे समझिए, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है। तो डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, डेटर पार्टी में क्या देगी, पैसा देगी, ठीक है। तो मनीष डी यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, और 50,000 रुपए फिर यहाँ पर देखिए, मैं फिर 50,000 की एंट्री कर रहा हूँ, 5,000 हो गया, ये 50,000 हो गया, एंटर किया, ऑन अकाउंट हो गया, फिर एंटर करके नीचे आएंगे, ये कैश में मिल रहा है, ये एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। इस तरीके से दोनों ही एक तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, आप चाहे सिंगल एंट्री मोड का यूज कीजिए या डबल एंट्री मोड का यूज कीजिए, दोनों ही में आप एंट्री पास कर सकते हैं। आयोग की बात समझ में आ गई होगी, अगर बात समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।